प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। नमस्कार, जय माता दी सबको, स्वागत है आपका हमारे चैनल सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और हर रोज ही ये वक्त का जो बहुत इंतजार रहता है कि कब आपसे वीडियो के जरिए बात हो पाएगी, वीडियो के जरिए आपसे बातें हो पाएंगी। एक फैमिली की तरह बन चुके हैं हम और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देखकर, कई लोग ऐसे हैं जो डेली कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, फैमिली की तरह ही हैं, तो उन सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और माता रानी से यही प्रार्थना है मेरी कि आप सब लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और आप मुस्कुराते रहें और उन्हीं हमारी जो फैमिली है वो आगे बढ़ती रहे और हमारा प्यार भी और गहरा होता रहे। और इसी के साथ अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो ये है कि इसमें मैं आपको एक मंत्र बताऊंगी जो आपको आपके प्यार के पास पहुंचा देगा खुद ब खुद, या आपका प्यार आपके पास खींचा चला आएगा। तो एक मंत्र बताऊंगी जो कि एक दूसरे के लिए खिंचाव पैदा करेगा, स्पेशली अगर आप उसे बेहद पसंद करते हैं। अगर आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं, अगर आप उस दूसरे व्यक्ति को बेहद पसंद करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी आ जाए, तो आपको ऐसा क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो इस पे बनाई हैं, उसका असर जरूर होगा, करिएगा जरूर। और आज मैं आपको इसलिए ये मंत्र बता रही हूँ। ये मंत्र देखिए लॉन्ग डिस्टेंस में काम नहीं करेगा, ये उसमें काम करेगा अगर आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं। रोज भी नहीं देखना है, अगर आप उसे महीने में एक बार भी देख लेते हैं तो भी ये चीज काम करेगी ही करेगी। आपको मन ही मन उसको देखते हुए ये मंत्र बोलना, जब भी वो आपको देखे, चाहे आपकी बातचीत भी ना होती हो, आपने उसकी तरफ देख के मंत्र बोलना जरूर है। तो ये चीज आपने करनी है। इसमें आपका वो जो सामने वाला व्यक्ति है आपका दीवाना हो जाएगा, आपके प्यार में पड़ जाएगा खुद ब खुद, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपसे बात करने के लिए पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कुछ ऐसे देखे व्यक्ति हैं जो डेली उस व्यक्ति से मिलते हैं, अगर आप उस व्यक्ति से डेली मिलते हैं तो कम से कम 7 दिन ये चीज आपने करनी ही करनी है, 7 दिन करनी है। और अगर आप उस व्यक्ति से कभी कभी मिलते हैं महीने में एक बार या 2 महीने बाद, तो एक बार करिए, जब दिखते हैं आप उसे करिए, ये चीज करनी है। ये मंत्र एक तो आपने उसको देखते हुए बोलना है और एक और रात को सोने से पहले बोलना है। बोलना किस तरीके से है, बोलना क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें कृष्ण का वर्ड जुड़ा हुआ है और आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जहां पर भी प्रेम मोहब्बत की बात आती है, लव स्टोरीज की बात आती है, या कोई चाहता है कि उसका रिलेशनशिप अच्छा हो या प्यार एक मुकाम पर पहुंचे, तो उनको उनके लिए एक और राय देना चाहती हूँ। जो चाहते हैं, जो रिलेशनशिप में है, जो चाहते हैं कि उनका प्यार उनकी मंजिल तक पहुंचे या उनकी शादी हो जाए, तो उनको कृष्ण की आरती, कृष्ण की पूजा जरूर करनी चाहिए, उससे उनको बेहद अच्छा फल जरूर मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो कृष्ण की भी पूजा डेली रोज करें ही करें। इसके साथ साथ इस मंत्र में भी कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ है। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो रात को मंत्र बोलना है वो कैसे बोलना है और उस व्यक्ति के सामने कैसे बोलना है। रात वाला बताती हूं, रात वाला किसी भी दिन से शुरू होकर, किसी भी दिन से शुरू होकर लगातार 11 दिन तक
रात के समय आपने मंत्र बोलना है। आपने बोलना कैसे है, जब आपके घर वाले सारे सो चुके हों, क्योंकि आपको डिस्टर्ब नहीं होना है इसमें, तब आपने अपने बेड पर जहां पर आप सोते हैं या जमीन पर, जहां पर भी आप सोते, जरूरी नहीं बेड, अगर आप जमीन पर भी सोते हैं, पर आप जहां सोते हैं, जहां पर आपका सर होता है, वहां पर आपने बैठ जाना है चौंकड़ी मारकर, और आपने हाथ जोड़ लेने हैं और आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करने के बाद आपने 21 बार करना, 11 दिन है, 11 रात लगातार, और बोलना आपने 21 बार मंत्र है, हर रात 21 बार मंत्र बोलना है। आपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर बोलना है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये आपने 21 बार बोलना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। 21 बार बोलने के बाद उस व्यक्ति का चेहरा अपनी आंखों में एक बार जरूर लेकर आए और उसके बाद ही सोएं। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना है, तो अगर आप कोई भी ये मंत्र बोलने के बाद, अगर आप जिस भी व्यक्ति का चेहरा, जिसको आप प्रेम करते हैं, अपने मन में प्यार से डीपली शांति से लेकर आएंगे, तो वो व्यक्ति के पास आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी या आपकी एक पॉजिटिव वाइब या आपकी पॉजिटिव मेमोरीज उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगी रात के वक्त। इसलिए क्योंकि हमेशा जो यादें होती है या मेमोरीज होती हैं, रात के वक्त किसी व्यक्ति के पास पहुंचती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादातर रात को काम करता है, इसलिए रात के समय आपने ये चीज करनी है। तो आपने 21 दिन तक लगातार ये चीज करनी है। उसके बाद अगली चीज जो आपने करनी, जो अगर आप उस व्यक्ति से लगातार मिल रहे हैं, यानी कि डेली उस व्यक्ति को देख भी रहे हैं, तो 7 दिन लगातार करना है। अगर आप कभी कभी देख रहे हैं तो आप उस दिन ये कर सकते हैं। आपने करना क्या है, जब भी वो व्यक्ति आपसे मिले या बात करे, मन ही मन आपने बोलना है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। उस टाइम आपने ये सिर्फ 5 बार ही बोलना है, जिस टाइम आप व्यक्ति को देख रहे हो। अगर वो आपसे बात कर रहा है तो भी मंत्र मन ही मन बोलते रहे, सिर्फ 5 बार ही बोलना है। अगर आपका व्यक्ति दूर है लेकिन आपने उसे देख लिया है, अगर 1 सेकंड देखने के बाद वो व्यक्ति चला भी जाए, तो भी मंत्र आपने 5 बार ही बोला। ये नहीं कि आपने 1 सेकंड देखा वो चला गया, आपने मंत्र भी उसी टाइम रोक दिया, नहीं। अगर आप एक झलक देखने के बाद वो चला भी जाता है, तो भी आप उसका नाम लेकर ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोल सकते हैं। तो ये जब आप 5 बार ही बोलना है आपने, जब भी आप उसको देखें, तो इससे आप देखेंगे कि जो आपकी अट्रैक्शन है, आपकी जो एक व्यक्तित्व है, एक प्रभावित पर्सनैलिटी है, वो उस व्यक्ति को प्रभाव जरूर डालेगा, वो व्यक्ति आपसे इंप्रेस जरूर होगा, वो लड़की आपके प्यार में जरूर पड़ेगी, आपसे इंप्रेस भी होगी, आपसे खुद बात करने भी जरूर आएगी। ये तो करना ही करना है। इसके साथ अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाना, तो इत्र का इस्तेमाल भी जरूर करें। आप इत्र का इस्तेमाल अपने इस जगह पर, राइट हैंड की इस जगह पर हल्का सा कर सकते हैं। इससे भी वो लड़की के साथ साथ और भी किसी को अगर आप प्रभावित करना चाहते हैं, लाइक एक प्यार में नहीं तो एक इंप्रेसिव तरीके से अपने बॉस को इंप्रेस करना चाहते हैं, तो भी इत्र का इस्तेमाल, ये मंत्र का नहीं करना है। मंत्र का इस्तेमाल सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर होगा जिसको आप बेहद मोहब्बत करते हैं। इत्र का इस्तेमाल उसके लिए होगा अगर आप पर्सनैलिटी करना चाहते हैं। तो ये 2 चीजें आपने करनी है, जो मैंने पहले बताई है, रात के वक्त करनी है, सोने से पहले करनी है, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। सोने से पहले कर ही सोना है, मतलब जो भी खाना पीना है पहले करें, और सोने से पहले वो मंत्र जैसे मैंने आपको बोला है, नाम लेकर उस व्यक्ति का, वैसे आपने करना है। और दूसरी चीज, जब भी आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो आपने ये चीज करनी है। तो ये आपने करना ही करना है। रात के टाइम भी आप ये करें, कम से कम रात के, अगर मैं बताऊं कि रात को कितनी रातें भी करनी है, आप 7 रातें भी, 11 रातें भी कर सकते हैं, 11 रात कम से कम करें। अगर मैं आपको कम से कम बताऊं तो 7, लेकिन मैंने पहले भी बोला है 11 रात तो आप करें, लेकिन मंत्र आपने 21 बार बोलना है। तो ये चीज जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि व्यक्ति आपसे खुद ब खुद अट्रैक्ट हो रहा है, आपके पास आ रहा है, आपसे इंप्रेस हो रहा है, बात भी करने आपसे आपके पास आएगा, और प्यार का इजहार भी आपसे खुद हो जाएगा, यानी कि बेसिकली वे आपके प्यार में पड़ जाएगा। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।